दोस्तों, अगर आप इंस्टाग्राम यूजर एंड ऐसे में जो आप इंस्टाग्राम के ऊपर कंटेंट क्रिएशन करते हैं, रील्स अपलोड करते हैं, अगर आप चाहते हो आपकी कोई ऐसी रील्स है जो सारे आपके ऑडियंस ना देखें, सिर्फ कुछ सिलेक्टिव लोग ही देखें या कुछ सिलेक्टिव अकाउंट्स देखें, तो वो आप कैसे कर सकते हो, इस वीडियो में सबसे इजी तरीका बताने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहन, आप सभी स्वागत है एक नई वीडियो में। वीडियो एंड तक देखते रहना, शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं, इंस्टाग्राम ने रिसेंटली एक नया फीचर ऐड करा है, जिसमें क्या है कि आप जो अपने क्लोज फ्रेंड्स के साथ पोस्ट को, रील्स को शेयर कर सकते हैं। इस अपडेट से मैंने आज से एक साल पहले आप सभी को बताया था, एंड ये फाइनली ऑफिशियली फीचर ऐड हो चुका है इंस्टाग्राम में। क्या होता है कि जब भी आप कोई भी रील्स अपलोड करते हैं, अगर आपका अकाउंट पब्लिक है तो वहां पे जो वर्ल्ड वाइड दिखाई देती है, कोई भी उसको देख सकता है। बट कुछ ऐसी रील्स है, अगर आप चाहते हो सिर्फ वो सिलेक्टिव लोग ही देख पाए जो इंस्टाग्राम पे है या फिर मेरे क्लोज फ्रेंड लिस्ट में है, तो अब आप जो है ये ऑफिशियली इंस्टाग्राम के ऊपर कर सकते हैं, अपनी पोस्ट के साथ भी, रील्स के साथ भी। मैं बता रहा हूँ कैसे आपको जो है रील्स अपने क्लोज फ्रेंड्स के साथ शेयर करनी है। तो आप देख सकते हो मैं जो हूं, मेरे अकाउंट पर अगर आप फॉलो करना चाहते हो फॉलो कर सकते हैं। बाद आपको क्या करना है, आपको जाना है यहाँ पे प्लस के आइकन पे, कोई भी रील सिलेक्ट कर लेनी है, कोई भी वीडियो जो आपको अपलोड करनी है। यहाँ से मेरी ये वाली वीडियो है, यहाँ मैं म्यूजिक इसमें ऐड कर देता हूँ, दैट इज इट। इसके बाद मैं नेक्स्ट चलता हूँ। जैसे आप यहाँ पे आएंगे, अब यहाँ पे आपको कैप्शन टैग जो भी आपको करना है वो सब आप कर सकते हैं। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कि एक नया ऑप्शन जो यहाँ पे है ऑडियंस का, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे एवरीवन हो रखा होगा, नीचे आपका ऑप्शन आएगा क्लोज फ्रेंड का। अब क्लोज फ्रेंड में जैसे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको लिस्ट एडिट कर लेनी, जैसे मैंने यहाँ पे रफ्तार और इन सबके अकाउंट को ऐड कर रखा है। अब एक्चुअली अगर मैं चाहता हूँ यहाँ से इसको और भी एडिट करना, आई फ्यूचरिस्टिक डालना, तो वो सब मैं यहीं से ही कर सकता हूँ। फिलहाल मैं इसको डन कर देता हूँ, दैट इज इट दोस्तों। यहाँ से मैं इसको शेयर कर रहा हूँ, अब देख सकते हो शेयर हो रही है, अब ये शेयर हो चुकी है। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने अपलोड तो करी है, बट वो ग्रीन वाला आइकन जो क्लोज फ्रेंड वाला है वो बना रहा है, इट मींस ये जो है मेरे क्लोज फ्रेंड्स के साथ ही शेयर हुई है। अब यहाँ पे मैं बताऊं तो मेरी प्रोफाइल पे जाऊंगा तो आप देख पा रहे होंगे वो क्लोज फ्रेंड वाला जो स्टार है वो आइकन भी बना रहा है, मेरे को तो दिख रही है क्योंकि मैंने अपलोड करी है, बट जो लिस्ट में क्लोज फ्रेंड है सिर्फ उन्हीं को दिखाई देगी, जो मेरे 15,000 फॉलोअर है वो नहीं देख पाएंगे। तो यहाँ पे मैं अगर अकाउंट स्विच करता हूँ मेरे प्राइवेट अकाउंट पे, तो आप देख पा रहे होंगे मेरे अकाउंट पे जो है यहाँ पे वो रील्स जो है नहीं दिखाई दे रही, बट यहाँ पे मैं जो मेरे सेकेंडरी अकाउंट पे जाता हूँ आई फ्यूचरिस्टिक, जिसको मैंने जो है क्लोज फ्रेंड में ऐड कर रखा है, तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो है वो मुझे रील्स दिखाई दे रही है। तो इट मींस यहाँ पे वर्क कर रहा है, मैंने अपने क्लोज फ्रेंड के साथ ही शेयर करी। आप चाहो तो आप एक पर्सन के साथ भी शेयर कर सकते हो, या जितने भी लिस्ट में आप क्लोज फ्रेंड यूजर को ऐड करोगे, जितने भी अकाउंट को ऐड करोगे, उनको ही वो जो है रील्स या फिर पोस्ट दिखाई देगी। तो ये फीचर बहुत ज्यादा अच्छा है, बहुत ज्यादा एक्साइटिंग है। आप लोग बताया कैसे लगी वीडियो, कमेंट सेक्शन में इतना था। वीडियो में आपको वीडियो अच्छा है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करना। ऐसी वीडियोस आप लाता रहता हूं, मिलता हूं नई वीडियो के लिए। बाय, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।